नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव। और साफ तौर पर आपको बताते चलें कि जिस तरह से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है, टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं या फिर जिस तरीके से आरसी पर पैसे लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा गया। क्या कुछ कहना था इन लोगों का, आपको दिखा देते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उन्होंने इस एक्ट को नकार दिया, उन्होंने इस एक्ट को नहीं अपनाया। और यहाँ पे हमारे गवर्नर साहब ने दोनों हाथों से इसका वेलकम किया है। क्यों? क्योंकि उनको लोगों ने चुनकर नहीं भेजा, इसलिए। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं ये रजिस्ट्रेशन फीस 9% रोड टैक्स इसलिए लिया है रोड को मेंटेन करने के लिए। तो जो हीरा नगर और विजयनगर में जो टोल प्लाजा बना रहे हो विजयपुर में आप, वो जो जम्मू वालों को तोहफा दे रहे हो, वो लोग हमसे पैसा लेके क्या करेंगे? वो क्या आसमान को मेंटेन करेंगे? तो ये दोहरा टैक्स एक ही हमारी जनता से, जम्मू के लोगों से क्यों लिया जा रहा है? सीधी सी बात है, गलत नीतियों के कारण सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा कम, सरकार चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए और वो जम्मू के गरीब लोगों का जो खून है वो चूस रही है, और ये हम होने नहीं देंगे। हमारी अपील है कि ये जो एक्ट है इसको वापस लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए। जब ट्रक खरीदता है, टिप्पर खरीदता है 25 लाख का और डाउन पेमेंट 19 लाख ही देता है, जब वो 3 लाख यहाँ पे और देगा तो उसमें एक्सीडेंट कैसे कम होगा वो नितिन गडकरी ही जानते होंगे। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, ये जो कॉमन पीपल है और जो मीडियम स्केल, जो मीडियम बिजनेसमैन है, जो लोन लेके अपनी व्यवसाय चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके पेट पर लात है। वो इंसान कैसे 3 लाख की आरसी बनाएगा जब 3 लाख का लोन लेके डाउन पेमेंट करके वो ट्रक लेकर बेचारा अपना व्यवसाय चलाए? अब वो डाउन पेमेंट भी देगा, जितने की डाउन पेमेंट देगा उतने की आरसी भी बनाएगा, तो ये कैसे चलेगा साहब? तो साफ तौर पर आपने देखा कि इन लोगों का क्या कुछ कहना था कि जो 10 लाख का 20 लाख की गाड़ी अगर खरीदता है, 2.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट देता है, तो उस पर अगर 3 लाख रुपए उसे आरसी बनाने के लिए दिए जाएं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। और साफ तौर पर लोग आज विरोध प्रदर्शन के लिए भी उतर आए, तो इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।